अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शानजाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। इसमें मैं वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ज़रा हेल्दी पसंद है, तो आप चाहें तो वेजिटेबल्स की प्रोपोर्शन कम भी कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जो हमें चाहिए वो मैंने 250 ग्राम्स चिकन लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक बॉईल करने के बाद उसको हाथों से रेशे कर लिए हैं यानी श्रेड कर लिए हैं, और एक बंद गोभी का फूल जो होता है उसको बारीक कट कर लिया है, और दो गाजर मैंने लिए हैं उनको कद्दूकस यानी ग्रेट कर लिया है, और दो शिमला मिर्च लिए उनको ऐसे बारीक बारीक पतला पतला सा काट लिया है, और जो स्पाइसेस चाहिए होंगे उनमें एक टीस्पून ब्लैक पेपर हीप्ड यानी भर के, एक टीस्पून क्रश चिली और एक टेबलस्पून सॉल्ट होगा, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर, और ऑयल थोड़ा सा बस इसकी फ्राइंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसमें ऑयल डाला है, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है जिसमें बस वेजिटेबल्स हल्की सी स्टर फ्राई हो जाएं। बाद में हम इसमें बॉईल किया हुआ चिकन डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, करते हैं बस इसको 1 मिनट के लिए सौते करके फिर मैं इसमें बंद गोभी डाल दूंगी। ये मैंने शिमला मिर्च को 1 मिनट के लिए जो है स्टर फ्राई कर लिया, और अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी का मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। को मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को सॉफ्ट नहीं करना है, क्रंची अच्छी लगती हैं स्प्रिंग रोल्स में वेजिटेबल्स, और उनका कलर भी रिटेन रहता है यानी कलर भी ख़राब नहीं होता। इसमें कैरेट डाल रही हूँ मैं, गाजर, और बस अब हम इसको 2 मिनट्स के लिए स्टर फ्राई करेंगे, और साथ में अपने स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। ब्लैक पेपर जाएगी इसमें 1 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून। हमारी वेजिटेबल्स कुछ सॉफ्ट हो गई हैं, हमने इसे 2 से 3 मिनट्स के लिए पकाया। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। चिकन डाल के फ्लेम ऑफ कर दें, और बस इसको मिक्स करना है आपने, क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी कुक हुई हुई थी। अब हम अपनी स्पिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे कुछ देर, और फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी रोल पट्टी में इसको कैसे रोल्स बनाने हैं। जी, तो ये हमारा जो मिक्सचर है वेजिटेबल्स और चिकन का रोल के लिए वो ठंडा हो गया है। तो अब हम 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा लिया है, और इसमें हम पानी मिक्स करके इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे जो कि रोल्स को बाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा। जी, तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया जो कि हमें इसकी सीलिंग के लिए चाहिए रोल्स की। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून आप रोल के लिए फिलिंग लेंगे, और इसकी 4 साइड्स को ये फ्लावर से जो है ग्रीस कर लेंगे, ताकि कि जब हम इसको बंद करें तो ये खुले नहीं।
एक मेथड इसका ये है, एक और मेथड से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। पहले आप फ्लावर लगा लें सब साइड्स पे और अब इसमें 1 टेबलस्पून फिलिंग डालेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हमें पहले क्या करना है। साइड्स फोल्ड करेंगे और फिर इसको रोल करना शुरू करेंगे। इस शेप में रोल्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ऐसे हम ये हमारे सब रोल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं और फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। एक बैच में बस हम 4 ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा ओवरक्राउड करने से उनका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और चीज़ आपकी अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती। कभी भी अपने पैन को ओवरक्राउड ना करें। अभी हमारे रोल्स फ्राई हो रहे हैं जी। तो ये हमारे रोल्स फ्राई हो गए हैं और देख सकते हैं आप कि कितने क्रिस्पी और कोटिंग अंदर फिलिंग कितनी अच्छी है इसकी। तो अब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट में भी ये बहुत यम्मी है। आप मेरी रेसिपी को एज यूजुअल लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।